ये कलयुग है भाई, ये कलयुग में पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, क्या होने वाला है, कुछ पता नहीं है। तो हेलो हाय फ्रेंड्स, मेरा नमस्कार, मैं मधु आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे ब्लॉग वीडियो में। तो आप लोग कैसे हैं? बहुत बहुत अच्छे होंगे आप लोग, आशा करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम कह रहे हैं ना कि हमारी भी इच्छा कर रही है कि हम किसी लड़की से शादी करें, पर हम इतने बुरे हैं कि हमसे कोई लड़की प्यार ही नहीं करती है। इतने ख़राब हैं क्या हम भी शादी करेंगे किसी लड़की से प्यार करके? किया है? हाँ। किस मंदिर में किया है और कैसे आप लोगों का प्यार हुआ और कैसे एक साथ रहने का फैसला आप लोगों ने किया? ओ, भांगड़ा माँ भवानी मंदिर में मझोली में किया है शादी। और इसके साथ 9 साल हम, मेरा जान पहचान है, 2 साल में मतलब बहुत गहरा रिश्ता हो गया है, उसके बिना हम नहीं रह सकते, ऐसे हो गया है, इसीलिए शादी का डिसीजन लिया है। ऐसा क्या आपने देखा कि मतलब एक साथ रहने का, साथ जन्म और साथ निभाने का आप लोगों ने फैसला लिया? जब हम छोटे थे उस टाइम मेरा 16 उम्र था, तो उस टाइम मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, तो मम्मी पापा को सब कुछ खोल के बोले हैं जो कोई लड़का का मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, किसी से बात करने में मुझे अच्छा नहीं लगता है, कोई रुचि नहीं हो रहा है। तो मम्मी पापा शादी के लिए बहुत दबाव दिया था, तो मम्मी को सब खोल के बोले हैं। तो मम्मी पापा हमको भिलोर में लेके गया था डॉक्टर दिखाने के लिए कि वहाँ मुझे लड़का पसंद नहीं है। तो भिलोर का डॉक्टर बोला है जो कुछ बीमारी नहीं है, नॉर्मल है। इसके बाद घर में बहुत हमको प्रेशर किया था कोई लड़का को हम शादी कर ले, पर हम शादी नहीं किया है, ये सब बात हम उनको सब शेयर करते थे। तो वो मेरा सहेली था उस टाइम, धीरे धीरे उसको कब चाहने लगा है मुझे पता नहीं है, उसके बिना हम नहीं रह सकते थे, ऐसे हो गया है। कितने दिनों से आप लोग साथ में हैं? साथ में तो 3 साल। हाँ, मतलब आप लोग साथ में रह के ऑर्केस्ट्रा में डांस वगैरह का प्रोग्राम करते हैं। हाँ। तो ये बताइए, जो कि समाज में ये मैसेज है गया है, जो जो कि सारे लोगों को ये पता है कि एक लड़की और लड़का का ही जोड़ी बनता है। हाँ। तो आप लोग दोनों एक ही लिंग के, मतलब सेम लिंग है। हाँ। तो इसमें कैसे ये रिश्ता आगे तक चल पाएगा, क्या लगता है? देखिए, मुझे तो उसको हम बहुत चाहने लगे और उसके बिना मुझे, हम किसी से अच्छा नहीं लगता है, उसके बिना हम नहीं रह सकते। अब हम अपने पति से कहेंगे हमारी भी शादी करवा दो किसी लड़की से, नहीं तो हम नहीं रहेंगे। कैसी लगी फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो? यार मुझे ये एक बात समझ में नहीं आती, एक लड़का लड़की जो जीवन भर साथ निभा सकते हैं और ज़िंदगी काट सकते हैं, तो लड़कियां कैसे ज़िंदगी काट लेंगी? मुझे एक बात ये ही समझ में नहीं आती, पता नहीं इस भारत में क्या होगा, लड़कियां पता नहीं क्या क्या गुल खिलाएंगी।